ये जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ ये पड़ोसी देश के शायर हैं, अहमद फराज साहब उनकी हैं। और जुल्मत की बात हुई थी तो जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है वो बहुत ही स्तुत्य है, धन्यवाद का पात्र है। और इसमें निशत दहली भी शामिल है, तो दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, ये चरा कई आंधियों पे भारी है। तो अब थोड़ा सा जो है ना भाई, शायरी जैसे धूप है, अब धूप तो अमीर गरीब हर जगह पड़ती है। तो अभी तक जो शायरी हो रही थी वो हो रही थी, वो लोग बोल रहे थे जिन पर जुल्म हो रहा है। भाई जो जुर्म कर रहा है उसको भी तो शायरी आती है, वो भी तो कुछ बोल सकता है ना। तो मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ ये दो पार्ट में पेश कर रहा हूँ, और दोनों कलाम ही ये अहमद फरहा साहब के हैं। सबसे पहले जिस पर जुल्म हो रहा है वो अपनी नम्रता को, क्योंकि जो शायर होता है वो बेसिकली बहुत विनम्र होता है। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं बुलंद लहजे में बात करिए, मैं अपनी हार तस्लीम कर रहा हूँ, ये शायरी है। शायरी तो विनम्रता से शुरू होती है। खैर, अब जिस पर जुल्म हो रहा है उनका कलाम सुनिए। कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूँ मुझे मार दीजिए। खुशबू से मेरा रब्त है, जुगनू से मेरा काम, कितना भटक गया हूँ मुझे मार दीजिए, मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे मार दीजिए, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए, जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीत पे है हक, मैं फूल बांटता हूँ मुझे मार दीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट, जो जुल्म कर रहे हैं वो भी बौखलाए हुए हैं। तो अब उसमें जैसे कि हाँ, तो आप जो जुल्म कर रहे हैं वो भी तो बौखलाए हुए हैं। तो जैसे जुल्म कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए मैं इस समय सर्वे सर्वा हूँ, ठीक है, प्रेरणा जी हैं ये संचालन कर रही हैं, ये समय संचालक हैं, बहुत ही मतलब जो काम कर रही है वो बहुत ही अमिट है, ये एकदम शाही अंदाज में है, ये भी समझ लीजिए ये कौन है। और मैं सर्वे सर्वा हूँ, ठीक है, और ये इतनी जुर्रत कर रहे हैं चंदर साहब कि ऐसे माहौल में जो है और ऐसा आयोजन रख रहे हैं। तो मैं जो है कह रहा हूँ इनसे, ये अपनी मर्जी से बोलता है इसे उठा लो, ये अपनी मर्जी से बोलता है इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो, वो बेअदब जिनको इससे पहले उठा लिया था, वो बेअदब जिनको इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो। इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मगर ये अपनी ही बोलता है इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकामो खिलवत, ये उन सयानों पे हंस रहा है इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमनो अमा का मसला क्या है, ये अमनो अमा का मसला है इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है इसे उठा लो। और सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये हद से गुजर गया इसे उठा लो।